नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए जब मैं गया, तब तक मैं काफ़ी अनुभवी हो चुका था उस 3 साल में, लेकिन रिजेक्शन हो गया। तो उस दौरान में एक पासिंग थॉट, एक बड़ा सुसाइडल सा पासिंग थॉट आया था, लेकिन उसको लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि मनोज बाजपेयी सुसाइड करने वाले थे, ऐसा नहीं था। मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था एनएसडी कि एनएसडी में जाना है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने हैं मुझे। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए जब मैं गया, तब तक मैं काफी अनुभवी हो चुका था उस 3 साल में, लेकिन रिजेक्शन हो गया। उसके बाद 1 महीने तक माना जैसे कि मेरा सब कुछ लुट गया, क्योंकि मेरे पास प्लान बी था नहीं, और प्लान बी मैंने कभी बनाया नहीं, अपने जीवन में कभी नहीं बनाया, आज तक मैं प्लान बी बनाता ही नहीं। एनएसडी में रिजेक्शन हुआ, कहा जाता है कि आप डिप्रेशन में, यू इवन वेंट कि मैं, यू नो, आई वेंट थ्रू सच अ डिप्रेशन वेयर आई डिडंट नो हाउ टू फेस द नियर एंड डियर वंस। और जब आपका सिर्फ प्लान बी होता है तो आपको ऐसा लगता है शायद दरवाजे बंद हो गए आपके लिए, हर चीज़ जो आपने रास्ता बनाया था सब कुछ बंद हो गया। तो उस दौरान में एक पासिंग थॉट, एक बड़ा सुसाइडल सा पासिंग थॉट आया था, लेकिन उसको लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि मनोज बाजपेयी सुसाइड करने वाले थे, ऐसा नहीं था। पासिंग थॉट जो डिप्रेशन में आते हैं उस तरह का मुझे हुआ था। स्मिता, मैं आपको सच बताऊँ, मैं बड़ा कठोर जिगरे वाला आदमी हूँ, मैं जल्दी टूटता नहीं हूँ, मैं भगवान न करे ऐसा कभी ज़्यादा बड़ी परीक्षा देने पड़े, लेकिन अभी तक जितनी परीक्षा भगवान ने ली है उसको पूरे ताकत के साथ उसको फेस किया है। और सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आपके दोस्त इर्द गिर्द थे वो सब उन्होंने बहुत संभाला। हाँ, और उस वक्त शायद ये डिप्रेशन, ये शब्द, ये अल्फाज लोग जानते नहीं थे। ये मॉडर्न 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 वर्ल्ड की एक चीज़ें हैं जिसको मेंटल हेल्थ को करके हम लोग जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ज़रूरी है, बात करनी भी चाहिए, उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए। और लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो डिप्रेशन जो है एक बीमारी का रूप ले लेता है। पहले फैमिली सिस्टम, सोसाइटी का अपना एक सिस्टम हुआ करता था जो एक दूसरे को संभाल लेता था। अभी कोई सोसाइटी, सोसाइटी कहने को सोसाइटी है लेकिन अंदर में क्रम्बल कर चुकी है। फैमिली कहने को है वो, लेकिन वो कम्प्लीटली प्रिवेसी के नाम पे लोग बोलते नहीं है। फिर अब भी प्रिवेसी के नाम पे अपने आप को दरवाजे के पीछे रखते हैं। अगले साल फिर दिया, फिर नहीं हुआ एनएसडी में, जबकि मैं काफ़ी अनुभव ले चुका। फिर बैरी जॉन के साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने एकदम से मुझे अपने साथ रख लिया। उनको मैं असिस्ट करता था, उनके लिए नाटक करता था। दिल्ली में तो वो लेजेंड है, लेजेंड थे, एकदम बहुत बड़े थिएटर पर्सनालिटी थे, जिनके साथ कोई भी एनएसडी का एलुमनाई हो या फिर एनएसडी का स्टूडेंट हो उनके साथ काम करना चाहता था। एंड आई बिकेम हिज राइट हैंड पर्सन, ब्लू आइड बॉय। और वो नहीं चाहते थे कभी कि मैं एनएसडी में जाऊँ, वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ जो है काम को सीखूं, और वो पूरी मुझ पर मेहनत भी करते रहे। ऐसा करते करते मेरा अपना अनुभव भी बहुत बड़ा होता रहा बाहर मंडी हाउस में, एक अच्छा खासा नाम भी कमाता रहा मैं रंगमंच में, बैरी के साथ भी रहा बाहर में, अपना ग्रुप भी बनाया, एनके शर्मा के साथ मिल गए जिसे बाद में एक्ट वन नाम से जाना गया, बहुत बड़ा ग्रुप बना वो। और
बहुत नाम कमाया मैंने रंगमंच में, लेकिन एनएसडी जो है उसने चार बार हमेशा चार बार उसने मुझे नहीं लिया।